तो so स्टूडेंट्स अभी हमने एक पूरे का पूरा फ्रंट एंड का यानी एज अ क्लाइंट एक पूरा ऑर्डर साइकिल हमने कंप्लीट किया फ्रॉम द फ्रंट साइड फ्रंट एंड से मुराद ये है कि एज अ कस्टमर मैंने आ, मैंने जो प्रोडक्ट थी उसको सेलेक्ट किया उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड किया शिपिंग एड्रेस दिया और मैंने चेकआउट का प्रोसेस एक पूरा कंप्लीट कर लिया और मुझे एक ऑर्डर नंबर का एक स्क्रीन शॉट भी मेरे सामने आ गया था तो ये अभी फ्रंट एंड की चीज़ है अब आई बैकैंड की चीज यानी आपका ऑर्डर आपके पास शॉप में वर्चुअली आपको रिसीव हो गया अब जब ऑर्डर रिसीव हुआ है तो बैक एंड पे आप ऑर्डर को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं इसको अब हम आ, इस, इसको अब, अब हम लोग इसका डेमो कर लेते हैं सो so, स्टूडेंट्स अभी हम लोग एडमिन पैनल पे लॉग हो गए हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यानी आसानी के लिए मैंने दो तीन ऑर्डर और, और, और क्रिएट कर लिए थे ताकि आपको मैं डिफरेंट स्टेटसेस दिखा सकूं ऑर्डर्स के जो क्लाइंट फ्रंट एंड से पुट करेगा तो आपने सेल्स में आना है ऑर्डर्स पे क्लिक करना है जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे के सारे ऑर्डर नजर आएंगे अब यहां पे देखें यहां पे मेरे पास अब पांच ऑर्डर तक क्रिएट हो गए हैं जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड यानी एज अ क्लाइंट तो जो ऑर्डर का स्टेटस होता है वो पेंडिंग फॉर्म में आता है बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली फिर एक स्टेटस होता है कंप्लीट का एक स्टेटस होता है क्लोज का और एक स्टेटस होता है प्रोसेसिंग का आपने अब ये देखना है कि प्रोसेसिंग और अपेंडिंग पेंडिंग ये स्टेटसेस कैसे चेंज होते हैं तो सबसे पहला स्टेटस जब भी कोई ऑर्डर रिसीव होगा वो होगा पेंडिंग का तो मैं इस पेंडिंग वाले ऑर्डर को यानी जिसकी ऑर्डर आईडी डी फाइव है मैं उसको व्यू करता हूं जैसे ही मैं उसको व्यू करूंगा तो आपके पास ऊपर राइट हैंड साइड पे एक पैनल आ जाएगा यहाँ पे आप इस ऑर्डर को आप रीऑर कर सकते हैं शिप कर सकते हैं इनवाइस कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं ईमेल सेंड कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं एंड यू कैन गो बैक बाय डिफॉल्ट इसका जो ऑर्डर का स्टेटस है वो भी पेंडिंग फॉर्म में है और ये आप नीचे स्क्रॉल करके भी यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको पेंडिंग फॉर्म में नजर आ रहा है अब पहला स्टेप के आपको ऑर्डर रिसीव हो गया आपने उसकी प्रोसेसिंग कर ली अब आपने इसको शिप करना है तो द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज आप यहाँ शिप पे क्लिक करेंगे जब आप शिप पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा जहां पे आपने अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन सारी वही है अब आपने शिपमेंट को यानी सबमिट शिपमेंट यानी अब आप किसी को चीज डिस्पैच कर रहे हैं ऑर्डर रिसीव हुआ वो प्रोसेसिंग फॉर्म में था आपने ऑर्डर को अरेंज कर लिया ऑर्डर असेंबल कर लिया अब आप इसको शिप करने जा रहे हैं तो पहला स्टेप कि आपने शिपमेंट यानी सबमिट शिपमेंट पे क्लिक करना है जब इस पर क्लिक करेंगे तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेटस यानी अब पेंडिंग से जो आपका ऑर्डर है यहाँ से आपका जो ऑर्डर स्टेटस है वो आपका आप प्रोसेसिंग में चला जाएगा ये जो आपको यहाँ पे वार्निंग्स या एरर नजर आ रहे हैं यू डोंट नीड टू बॉर्दर अबाउट इट ये हमारा ऑर्डर आई डी फाइव था ये हम स्टार्ट हुए थे पेंडिंग से अब पेंडिंग से हमारा स्टेटस हो गया है अब ये प्रोसेसिंग हो गया इसका मतलब है कि अब आपने शिपमेंट कर दी है अब मैं इसको व्यू करता हूँ और मैं अब इसका आखिरी स्टेप करता हूँ इसका मतलब यह कि मैंने ऑर्डर रिसीव किया ऑर्डर को प्रोसेस किया ऑर्डर को भेज दिया अब मैं एक अनवाइस जनरेट कर रहा हूँ इनवाइस से मुरादी होती है कि आप क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं जो चीज़ उसने एक्चुअली साइन करके पैसे देने हैं अगर आपकी पेमेंट ऑनलाइन है या आपने ऑर्डर के साथ कोई इनवाइस भेजनी है यानी क्या क्या और कस्टमर ने मंगवाई है चीज उसकी डिटेल है या कस्टमर नेम है ई है ऑर्डर डेट है ऑर्डर स्टेटस है अब मैं इसका जो स्टेटस है वो चेंज करता हूं सबमिट एनवाइस कर देता हूं सबमिट एनवाइस पे क्लिक किया मैंने तो इट शुड चेंज द स्टेटस तो पहला स्टेटस पेंडिंग दूसरा सब प्रोसेसिंग नाउ लुक हेयर अभी आपका स्टेटस आ रहा है ऑर्डर कंप्लीट सो सबसे पहला था पेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर रिसीव हुआ जैसे ही मैंने ऑर्डर को प्रोसेस कर लिया और मैंने उसको शिपमेंट के लिए रेडी कर दिया तो शिपमेंट पे मैंने क्लिक किया तो उस पर मेरा ऑर्डर हो गया प्रोसेसिंग जैसे ही मैंने शिपमेंट की तो मैंने अब इन्वाइस जनरेट की ये वो इन्वाइस है जो मुझे कस्टमर को भेजनी है यानी जो मुझे प्रोडक्ट के साथ रिसीव होगी और एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी आएगी कि मैंने ये चीज़ शिप कर दी है तो उसके बाद ऑर्डर हो गया कंप्लीट अब मैं सेल्स में दोबारा आता हूँ अलर्ट सी मुझे क्या वो चीज़ व्यू कर रहा। अब जो ये ऑर्डर आई डी फाइव था इसका स्टेटस देखें अब यहां मुझे यहां मुझे कंप्लीट नज़र आ रहा है अब मैं अगर मेन डैशबोर्ड पे आऊँगा तो डैशबोर्ड के अंदर भी इट विल शो मी के मेरे कितने क्लाइंट्स हैं कितने ऑर्डर्स हैं एंड सो so अब यहाँ देखें अब मुझे वो कह रहा है कि जी टोटल कस्टमर हैं पाँच हर कस्टमर की ऑर्डर की मुझे डिटेल बता रहा है एवरेज ऑर्डर की अमाउंट बता रहा है वो इन्नी वे से उसने पाँच इनको ऐड करके फाइव पर डिवाइड किया है टोटल रेवेन्यू मुझे अभी तक जो अर्न हो चुका है टोटल टैक्स कितना मुझे आ चुका है शिपमेंट के पैसे मुझे बता रहा है और ऑर्डर क्वांटिटी फाइव बता रहा है वन टू थ्री फोर फाइव तो हर ऑर्डर के अंदर मुझे जो चीज़ मैंने परचेस की है उसकी मुझे यहाँ पे उसकी आइटम भी बता रहा है यानी उसका काउंट भी बता रहा है सो so, ये एक डैशबोर्ड है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है जैसे ही मैं ऑर्डर को प्रोसेस करता हूँ या या मुझे जैसे ही नया ऑर्डर रिसीव होता है तो ये बेसिकली एक कंप्लीट फ्लो है फ्रॉम ऑर्डर जनरेशन यानी प्रोडक्ट को ऐड करना उसको कैटेगरी उससे मैप करना थीम चेंज करना पेजेस के साथ थोड़ा प्ले डाउन करना ये बैक एंड की चीज़ें उसके बाद जैसे ही मैंने शॉपिंग की फ्रॉम द फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन के साथ या रजिस्ट्रेशन के बगैर जैसे ही मुझे बैक एंड पे ऑर्डर रिसीव हुआ तो ऑर्डर को प्रोसेस करके मैं एक पूरा लाइफ साइकिल मेंटेन कर सकता हूं किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर से लेकर क्लाइंट को डिस्पैच करने तक का